आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। जैसे आपको पता है, थंबनेल पर देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि खेत में मशीन को कैसे चलाएं, जैसे वैसे इनके बारे में, लीवरों के बारे में, गियर के बारे में। पहले एक वीडियो में बता दिया था कि ये किस चीज़ के लिए और ये किस चीज़ के लिए है। तो आज की वीडियो में जैसे इसको चलाकर भी दिखाएंगे, जैसे अपने गेहूँ काटने तो खेत में किस प्रकार से चलाएँ और किन किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका, आज भी बताते थे हम, जैसे कि स्टार्ट करने के लिए ये बंद करने के लिए हो गया और ये बैक, इसमें पीछे पहला आगे, दूसरा पीछे, तीसरा आगे और ये रोड गियर भी बोलते हैं, चौथा ये हो गया। और ये एक्सीलेटर जिस जो रेस होती है, और ये रील के लिए, ये कटर के लिए, और ये चेंजर है जैसे हाई लो के लिए मशीन को। ट्रैक्टर में केवल हाई और लो का होता है, इसमें मीडियम हाई भी कर सकते हैं, मीडियम लो भी अपने हिसाब से। तो अभी इसमें चेंज कर रखा है, जैसे रील वाला इसमें कटर में कर रखा है, ये फ्री छोड़ रखा है अभी, तो ये निकाल रखा है और ये इसमें कटर पर कर दिया है अभी। तो रील की गेहूँ में कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए अभी हटा रखा है, चेंज कर रखा है। कोई प्रॉब्लम आ गई हो शायद, मैंने अभी देखा है ये, तो फिर मैंने अभी चेंज कर रखा थी। तो ये चीज़ थी ये सारी। और ये बास्केट का आ गया, जैसे ये ऊपर उठाई और बास्केट को कम ज़्यादा करना है, नीचे करने के बाद लग जाती है। थ्रेसर के चक्रों का हो गया, पैर वाली रेस है, जैसे रोड रोड पर चलानी है तो नहीं तो अपने यही रखने पड़ते हैं। लगभग 1600 चक्रों पर चलती है गेहूँ में अपनी ये मशीन। तो यहाँ पर कर रखा है ये सेट है। और ये जैसे अपने फ्लैट का, फिर कटर का, और ये ओगर जैसे अनाज टैंकर लगाने का। तो इस प्रकार से हैं ये चीज़ें। तो आपको जैसे खेत में चलाते वक्त किन किन चीज़ें देखनी है ये और बता देता हूँ। जैसे तो सबसे पहले आप अगर देख लें तो अपना फ्लैट वाला लगाया, फिर ये कटर वाला लगाया तो कटर चलना शुरू हो जाएगा। फिर अपने अगर आप नहीं है तो पहले सकते हैं, अन्यथा अपनी फसल के आधार पर चला सकते हैं वो कितनी स्पीड रखनी है आपको। वो तो ट्रैक्टर की तरह होता है, फर्स्ट में चलाओ या सेकंड में चलाओ, जैसे अपनी फसल देख लें उस हिसाब से चला लें। तो लो में चला लें, जैसे दूसरे में चलाते हैं, पहले में चलाते हैं हाई लो में, ऐसे अपने हिसाब से चला सकते हैं इसको। और अपने कटर को जैसे उस पहला राउंड होता है वो, जैसे ये खेत है ये काटना है हमें, तो पहले राउंड में अपना ओगर उस साइड बाहर रहेगा, अंदर रहेगा जैसे खेत के, और यहाँ से घेरा लगेगा पूरा। और दूसरी बार जैसे यहाँ तक आ गए हम, एक बार पहला राउंड यहाँ शुरू किया था यहाँ पर आ गए, तो फिर दूसरी साइड राउंड लगेगा इस तरफ घूम के, ओगर फिर बाहर आने लगेगा। और बीच बीच में जैसे पेड़ होते हैं और कुछ कोई बिजली लाइन आ जाती है तो उसके आधार पर भी खेत में राउंड लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अपना खेत में चलती है मशीनें, अपने कटर अपनी फसल के आधार पर ऊपर नीचे रख सकते हैं, जैसे कितना ऊपर रखना है, कितने जैसे नीचे गिरे हुए हैं गेहूँ तो अपना कटर नीचे रखें, जैसे खड़े हैं तो ऊपर रखें। ऊपर में ज़्यादा फायदा रहता है, जैसे अपने ज़्यादा मशीन को दबाव भी नहीं पड़ेगा और तूड़ी भी जैसे ज़्यादा बनेगी अगर आप ऊपर से काटते हैं, क्योंकि लांगा ऊपर ही पड़ेगा ज़्यादा और मशीन भी फास्ट चलेगी। और अगर नीचे गिरे हुए हैं तो फिर कटर नीचे लेना पड़ेगा। और उसके बाद अपने ये जैसे रख लें, सेटिंग कर लें अच्छे से, इनकी सेटिंग एक वीडियो में बता भी रखी है मैंने, जैसे कैसे अपने थ्रेसर की सेटिंग करनी है, कैसे चक्रों की, कैसे सिपों की, उसका एक आज की वीडियो में बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो वीडियो देख के अपनी एडजस्ट कर लें एक बार। जैसे अपने पीछे अगर बाल में दाने जा रहे हैं तो थोड़े से चक्कर को भी बढ़ा लें, या अपने बास्केट को थोड़ा लगा दें, बास्केट लगा लें, अगर दाएँ तोड़ रहे तो बास्केट हटा दें, अपने तो चक्करों को कम कर दें ये थ्रेसर वाले। और अपने कटर को, ऋण को, आइलो को, इन चीज़ों को अपने हिसाब से थोड़ा चला लें। तो खेत में चलाने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको सभी चीज़ों का, तो आप आसानी से चला सकते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। तो एक बार अभी मशीन चलेगी तो मैं आपको एक वीडियो बना के भी दिखा दूँगा। और जैसे आगे पीछे का ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते रहें। ये अपना पहला जैसे राउंड लगाते हैं तो पूरा आगे तक लेकर जाएं, जैसे वो काटना है तो आगे तक ले गए, फिर पीछे लाए, फिर थोड़ा कट लगा दें, फिर पीछे करके अपने घुमा जाएगी। अगर आप एक बार में घुमाएंगे तो घूम तो जाएगी परंतु नीचे दाबती हुई चलेगी इनको गेहूँ को, जैसे पूरा कटर लगा के ऐसे खड़ी मुड़ेगी तो नीचे दाबती हुई जाएगी।
तो अपना एक कट लगा ले जैसे थोड़ा सा, अगर मुड़ने की सही सुविधा नहीं है तो एक बार में भी मुड़ जाती है मशीनें, क्योंकि आजकल बिल्कुल कम दूरी में ही मशीनें घूम जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी टर्निंग रेडियस दे रखी है। अन्यथा अपना ये रखें, एक बार आगे ले गए फिर पीछे की, और फिर थोड़ा कट लगा के और फिर पीछे करके घुमा लें एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग वाले घेरे में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर कोई तो आसानी से घूम जाती है। और पेड़ों का जैसे विशेष कर ध्यान रखें, बिजली लाइन का विशेष कर ध्यान रखें, ऊपर तार तूरों के टच ना हो जाए, और अपना अपना ओगर का पेड़ों के पास खास ध्यान रखें, क्योंकि हम जब चलाते हैं तो ओगर को साइड में रखना पड़ता है, अन्यथा गेहूँ या कोई फसल वो नीचे गिरने लग जाएगी, तो अपना ओगर साइड में रखें जैसे, और उसका जैसे पेड़ों के पास से निकालते हैं तो विशेष कर ध्यान रखें, अन्यथा वो मुड़ उसके लग के टच हो के टूट सकता है। और बीच बीच में अपने जैसे टेम्परेचर का खास ध्यान रखते रहें, क्योंकि रेडिएटर इसमें दूर गड्ढे में चलता है चौक हो जाता है, तो मशीन टेम्परेचर भी ज़्यादा लेने लगती है, तो उसमें हवा से सफाई करते रहें अगर टेम्परेचर उठाती है तो, या थोड़ा लो चलाएं मशीन को, ज़्यादा हाई में ना रखें। और जैसे एक रेन टैंक हो गया भरने पर पता चल जाता है, तो आगे चलाने में तो कुछ सिंपल इसी प्रकार से था, जैसे ले रहा पता चल गया तो अपने हिसाब से चला सकते हैं, और सेटिंग की एक और वीडियो है तो उसके आधार पर सेट कर सकते हैं थोड़ी सी, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार अभी खेत में चलेगी तो